नमस्कार, स्टडी सर जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा सातवीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग दो के सातवें पाठ पापा खो गए इस पाठ के सारांश एवं शब्दार्थ को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ के लेखक के बारे में जानते हैं। इस पाठ के लेखक हैं विजय तेंदुलकर, जिनका जन्म 6 जनवरी 1928 में कोल्हापुर मुंबई में हुआ। इनकी मृत्यु 19 मई 2008 पुणे में हुई। इनके द्वारा लिखी गई इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं खामोश, अदालत जारी है, सखाराम बाइंडर, घासीराम कोतवाल, गिधाड़े, कमला, कन्यादान आदि। आइए पापा खो गए इस पाठ के सारांश को पढ़ते हैं। यह पाठ विजय तेंदुलकर जी द्वारा लिखा एक नाटक है, जिसके पात्र हैं खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौआ, लड़की और आदमी, जो एक लड़की को उसके पापा तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। नाटक के विचित्र पात्र। नाटक की घटनाएं एक सड़क पर घटती हैं। रात में बिजली का खंभा और पेड़ अपने जीवन के बारे में बात करते हैं। खंभे को रात दिन खड़े रहने की परेशानी है, पेड़ को भी। सर्दी, गर्मी, बरसात, खड़े रहना ही पड़ता है। उन्हें आंधी तूफान झेलना पड़ता है। तभी लेटर बॉक्स, जिसका नाम लाल ताऊ है, वह भी उनकी बातचीत में शामिल हो गया। वह कुछ पत्र निकालकर पढ़ने लगता है। खंभा और पेड़ समझाते हैं कि किसी का पत्र पढ़ना अच्छा नहीं, जिसे लिखा गया हो उसे ही पढ़ना चाहिए। तभी एक गुंडा बदमाश आदमी आता है। यह छोटी सी प्यारी सी लड़की को उठाकर लाया है, अगले दिन किसी को बेच देगा। लड़की को उसने थोड़ी सी बेहोशी की दवा दी है, उसे भूख लगी है। यह पेड़ की आड़ में लड़की को लिटाकर भोजन की तलाश में चला जाता है। लड़की को लेकर सबकी चिंता। गुंडे के जाते ही खंभा, पेड़ और लेटर बॉक्स बच्ची के बारे में चिंतित हो जाते हैं। वे कौवे को भी जगाते हैं और उस दुष्ट आदमी के बारे में और लड़की को बचाने के बारे में बातें करने लग जाते हैं। तभी लड़की को कुछ होश आता है। वह कुछ समझ नहीं पाती है कि बातें कौन कर रहा था। उसे अंधेरे में डर लगने लगा। लेटर बॉक्स बोलता है तो वह बहुत खुश होती है। ये दोनों बातें करते हैं। लेटर बॉक्स लड़की का पता ठिकाना जानना चाहता है, पर लड़की को कुछ भी मालूम ही नहीं। धीरे धीरे पेड़, खंभा और कौवा भी बातचीत में शामिल हो जाते हैं। अब लड़की को डर नहीं लगता, वह सबके साथ खेलने लगती है। पोस्टर की लड़की भी उसके साथ नाचने लगती है। बदमाश से मुक्ति। तभी वह दुष्ट आदमी भी आ जाता है। सब चुप हो जाते हैं। वह लड़की को ढूंढता है। लड़की बचने का प्रयत्न करने लगती है। पेड़, लेटर बॉक्स, खंभा और पोस्टर सभी लपक झपक कर
बीच में आते हैं और लड़की को गुंडे के हाथ नहीं आने देते। तभी कौवा चिल्लाता है, भूत। फिर सभी भूत भूत चिल्लाने लगते हैं। गुंडा घबरा कर भाग जाता है। सभी खूब हंसते हैं। कुछ देर लड़की नहीं मिलती तो सब मिलकर उसे ढूंढते हैं और थपकी देकर उसे सुला देते हैं। पापा को यहाँ लाइए। खंभा पेड़ आदि के सामने समस्या है कि लड़की को उसके घर कैसे पहुँचाएँ। उसे तो अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम है। वे एक योजना बनाते हैं। सुबह होती है, सड़क पर सोई लड़की पर पेड़ झुककर छाया किए हुए है। खंभा टेढ़ा खड़ा है। देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई दुर्घटना हुई है। कौवा शोर मचाकर लोगों का ध्यान खींचता है। पोस्टर पर लिखा है, मेरे पापा खो गए हैं। लेटर बॉक्स सरकता हुआ लोगों से कहता है, इस प्यारी बच्ची के पापा मिल जाए तो यहाँ ले आइए। आइए इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। भंगिमा शारीरिक मुद्रा, आफत आपदा, कायम स्थिर, जख्मी घायल, गरूर घमंड, चरण कविता की एक पंक्ति, कर्कश अच्छी ना लगने वाली, फोकट मुक्त, गुप्त छिपा हुआ, ओट में आड़ में, चौकस चौकन्ना, अपन मैं अथवा स्वयं, गला रुंध जाना भावावेश में मुख से आवाज़ ना निकलना, गश्त लगाना घूमना, स्वीकृत सूचक हाँ के भाव में सिर उठाना, संरक्षण हिफाजत, प्रेक्षक दर्शक। तो इस प्रकार हमने पापा खो गए इस पाठ के सारांश और शब्दार्थों को पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आपके लिए यह वीडियो मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।